दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी और शायद आपको पहले पता ना उनके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको निराश नहीं करूंगा। बीकानेर राजस्थान में स्थित करणी माता का मंदिर बहुत ही अनोखा और रहस्यमय है। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। इसका आकर्षण और रहस्य इसमें रहने वाले चूहे हैं। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता को बीकानेर राजघराने की कुल देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्तम कारीगरी, चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। यहां तक कि आपको चलते वक्त भी पांव बचाकर चलना पड़ता है ताकि आपके पैर नीचे कोई चूहा ना आ जाए। अगर गलती से भी कोई चूहा आपसे घायल हो जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी रहते हैं। चूहों को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको मंदिर में सफेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक बात जो सबको हैरान करती है, मंदिर में इतने चूहे होने के बाद भी बिल्कुल भी बदबू नहीं है और ना ही आज तक वहां कोई बीमारी फैली है। यहां तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशकों पहले पूरे भारत में प्लेग फैला था तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वो चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही खाते थे। मंदिर के चूहों की एक विशेषता और है कि मंदिर में सुबह होने वाली मंगला आरती और शाम को होने वाली संध्या आरती के वक्त चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और वहां मौजूद रहते हैं। यहां पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। माता मंदिर में रहने वाले चूहे माँ की संतान माने जाते हैं। माना जाता है कि एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने किया पर बाद में उन्होंने मजबूर होकर उसे चूहे के रूप में जिंदा कर दिया। दूसरा रहस्यमय मंदिर तनोट माता का मंदिर है। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। वैसे तो यह मंदिर सदैव ही आस्था का केंद्र रहा है, परंतु भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई के बाद यह मंदिर देश विदेश में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हो गया। लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके। यहां तक कि मंदिर के अंदर गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। ये बम अब मंदिर में बने एक संग्रहालय में भक्तों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। लड़ाई के बाद इस मंदिर का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल ने ले लिया और यहां अपनी एक चौकी भी बना ली। इतना ही नहीं, एक बार फिर 4 दिसंबर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट और सीमा सुरक्षा बल की एक कंपनी ने मां की कृपा से लोंगेवाला में पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी और लोंगेवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। लोंगेवाला भी तनोट माता के पास ही है। लोंगेवाला की विजय के बाद मंदिर में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया जहां अब हर वर्ष 16 दिसंबर को सैनिकों की याद में उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि तनोट माता ने सैनिकों के सपने में आकर कहा था कि जब तक तुम सब मेरे मंदिर में हो मैं तुम सभी की रक्षा करूंगी। हिमाचल प्रदेश में कांगधा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योतामवाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है। मंदिर के साथ अकबर बादशाह का रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि माता के परम भक्त ध्यानु भक्त कुछ यात्रियों के साथ माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उनको दिल्ली के चांदनी चौक में रोक लिया गया और अकबर बादशाह के सामने पेश किया गया। अकबर ने ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम माता के सच्चे भक्त हो तो माता तुम्हारी जरूर इज्जत रखेगी, और इतना कहकर उसके घोड़े की गर्दन काट दी गई कि तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। ध्यानु भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ करता है और फिर माता को अरदास करता है कि उसकी लाज रखना। कहते हैं कि मां ने उसके घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया था।
यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हुआ। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे मां की महिमा का यकीन हुआ और उसने 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी वह बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।